अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि DHL से इंडिया में प्रोडक्ट कितने दिनों में आता है और क्या प्रोसीजर होता है। तो ये है एयरविल नंबर, जो ट्रैकिंग आईडी है ये मैंने DHL के वेबसाइट में ओपन कर रखा है। 14 जुलाई को मुझे ये शिपमेंट मिला है। नंबर ऑफ पीसेस जो हैं 7 बॉक्स हैं। तो देखिए थर्सडे 12 जुलाई 2018 तो ये पिकअप हुआ है और मुझे भेजना 3 डेज के अंदर, 4 डेज के अंदर मुझे डिलीवरी मिल गई है। ये 12, 13, 14 तीन दिन में मुझे यहाँ डिलीवरी मिल गई है। तो इसका प्रोसीजर सिंपल होता है। जब आपका पिकअप होता है आपका शिपमेंट चाइना से, तो आपको अपने कस्टमर केयर पर कॉल करके बोलना होता है कि आप जिस सिटी के हैं आपको वहीं पर क्लियरेंस चाहिए। जैसे मैं मुंबई का हूँ तो मेरा जो क्लियरेंस होता है वो मुंबई में होता है। समटाइम क्या होता है, शिपमेंट चले जाता है दिल्ली, चाइना टू दिल्ली, दिल्ली में क्लियरेंस होने लगता है, कई बार डिले हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कम्युनिकेशन करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आपकी सिटी में ही जब शिपमेंट आता है तो क्लियरेंस इजीली हो जाता है और कम्युनिकेशन में भी आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये 3 डेज में मुझे चाइना टू इंडिया मिल गया। नंबर ऑफ पीसेस 7 है। अब मैं दूसरा शिपमेंट का आपको ट्रैकिंग नंबर बताता हूँ। ये मेरा वेबिल नंबर है, 11th को ये मुझे मिला है डिलीवरी। ये भी 9th को पिकअप हुआ था चाइना से, शेंजन सिटी से, और ये मुझे मुंबई में डिलीवरी मिली है इसकी 11th को। तो 3 दिन में मुझे ये शिपमेंट भी 4 पीसेस इंडिया में मिल गए। एक और मेरा शिपमेंट है, नंबर ऑफ पीसेस 10 है, इसका पिकअप हुआ था 9th को और इसका डिलीवरी भी मुझे 11th को ही मिला है। सेम प्रोसीजर, मुंबई में क्लियरेंस हुआ है इसलिए डिले शिपमेंट नहीं हुआ है। अभी एक मेरा लेटेस्ट शिपमेंट है जो कल ही पिकअप हुआ है 18th को और आज 19 है। ये हांगकॉन्ग में क्लियरेंस प्रोसेस हो चुका है। अगर आज नाइट में ये शिपमेंट इंडिया में लैंड करता है मुंबई में तो मुझे ये कल मिल जाएगा। इसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट ऑलरेडी दे दी है कि मुझे इसका क्लियरेंस मुंबई में चाहिए। तो ये प्रोसीजर है DHL का। अगर आप अपना इंटरनेशनल कुरियर पार्टनर, इंटरनेशनल फॉरवर्ड एजेंट ढूंढ रहे हैं, फॉरवर्ड सर्विसेज ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप DHL के थ्रू ही जाइए, DHL में ही अकाउंट ओपन कराइए। इसके रेट्स भी ज़्यादा हाई नहीं है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।